यह एक सर्कुलर सिलेंडर है जो दो इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है। एक जो सरफेस है 15 डिग्री के एंगल पे है और एक जो सरफेस है 40 डिग्री के एंगल पे है। और ये सरफेस और ये सिलेंडर के बीच में जो फ्रिक्शन है जीरो है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। अब हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक सेल्फ वेट डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, तो हमने एक डाउनवर्ड लगा दिया इसका सेल्फ वेट, और ये जो लगता है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है सेल्फ वेट। ये जब सरफेस ऑफ सपोर्ट को हम रिमूव करेंगे और इसको रिमूव करेंगे तो एक सपोर्ट रिएक्शन लगता है। जैसे हम इस पॉइंट बी पे एक सपोर्ट रिएक्शन लगेगा आर बी, तो आर बी को हमने ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली इस पॉइंट ए पे ये जब सरफेस ऑफ सपोर्ट को रिमूव करेंगे, ये जो सरफेस ऑफ सपोर्ट है रिमूव करेंगे तो एक सपोर्ट रिएक्शन लगेगा आर ए, ठीक है। और ये जब आर बी को रिजोल्व करेंगे तो एक इसका कंपोनेंट होगा आर बी कॉस थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होगा आर बी साइन थीटा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली जब आर ए को हम रिजोल्व करेंगे तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर ए कॉस थीटा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आर ए साइन थीटा।